आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं पूजा ढिलो, माफ़ कीजिएगा जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो बंद हो गई थी बिकॉज मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है अभी, तो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो वो शायद ख़त्म हो गया है। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। स्टेप बाय स्टेप डेमो कैसे अपना एग्ज़ाम करेंगे, तो आज वो मैं आपको दिखा रही हूँ करके। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जो हम अभी 12 बजे लाइव जाएंगे उसके अंदर आप मुझसे वो सभी डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं उनसे मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें और बतानी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में नहीं उठता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें पुट कीजिएगा ऑनलाइन जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थैंक यू सो मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप वन जो है हमारा, वो आपको लॉगिन करना होगा। आपका जो भी एप्लीकेंट है वो सभी यहाँ पर आके लॉगिन करेंगे, जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर। ये जो लॉगिन वाला जो पेज है ये कहाँ से आएगा, तो CRSU के वहाँ पर एक ब्लू कलर का लिंक होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक। वो मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर लीजिएगा जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो सभी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें लॉगिन करना है। जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे जो मेल है उसके ऊपर हमें एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिला होगा, वो हमें फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। तो आपको कैसे मिलेगा वे डेमो मैंने दिया हुआ है वीडियो में, प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट देने का मोटिव यही है कि आप बार बार मॉक टेस्ट दे के वहाँ PDF फ़ोटोज़ अपलोड कर करके अपने आप को परफेक्ट बना लें कि कैसे आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो सभी से गुजारिश है कि अपना जो मॉक टेस्ट है वो जितने हो सके उतने ज़्यादा बार दें ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। कोई YouTube चैनल वाले आपको हेल्प नहीं कर सकते इसमें, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी मॉक टेस्ट दे के। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स दिए होंगे जो भी आपने फिल किए हैं वो सभी। अगर आप सेकंड ईयर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो सेकंड ईयर के सारे आपके सब्जेक्ट होंगे। आप फर्स्ट ईयर के लॉगिन आईडी पासवर्ड से अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के वहाँ पे सभी सब्जेक्ट होंगे। अगर आपके री है तो आपको अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, और उन्हीं से आपको जब आपका जिस दिन री का है तो री वाला, और अगर रेगुलर है तो रेगुलर वाले जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसे फिल करना होगा। एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले आकर अपने डेस्कटॉप पे बैठ जाइएगा, और बैठकर आपको 30 मिनट पहले क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो जब आप अपने डेस्कटॉप पे बैठ जाएंगे, आप अपना एग्ज़ाम जब स्टार्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। अगर आप डेमो भी दे रहे हैं डेमो के अंदर भी ऑप्शन आएगा अलाउ करने का। तो कोई भी कहीं भी आपके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट करते टाइम अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो प्लीज़ उसे अलाउ कीजिएगा, उसको डोंट अलाउ मत कर दीजिएगा गलती से भी, क्योंकि उससे आपका माइक्रोफोन और आपका जो कैमरा है हो सकता है उनमें से कोई भी चीज़ बंद हो जाए और ये आपको अनफेयर की कैटेगरी में लेके आएगा। उसके बाद हमें हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर भी और हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी हमें अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो वो पिक्चर कैसे अपलोड करनी है आप लोग सभी को, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर आपका कैमरा ऑन रहेगा, मतलब आप जो भी हलचल करते हैं वो उसके अंदर दिखेगा। आपको एक अच्छी पोजीशन में बैठकर, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वैसे बैठकर, या जहाँ भी दे रहे हैं बैठकर वहाँ पर सही से बैठकर एक पिक क्लिक करनी है। यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपका क्लिक द पिक पिक्चर, जैसे ये दिख रहा है
तो क्लिक करनी है उस पे, और उसके बाद आपकी जो पिक्चर क्लिक होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी पिक्चर के साथ तो आप दोबारा से पिक्चर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर, और वो आपको अपनी आईडी की पिक्चर क्लिक करनी है। जब ये जो दोनों पिक्चर्स हैं आपकी, ये आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मेरी पिक्चर्स अच्छी आई हैं, साफ़ हैं, क्लियर है, तो आप फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे जब बढ़ते हैं तो ये जो एग्ज़ाम स्टार्ट एग्ज़ाम का जो ऑप्शन है, ये आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपका टाइम हो जाएगा एग्ज़ाम का। मतलब हमारा 2 बजे का एग्ज़ाम है, तो हमारा जो ये स्टार्ट एग्ज़ाम पे आप क्लिक करोगे ना, अगर बार बार क्लिक करोगे तो आप दोबारा से जो आपका फ्रंट पेज है वहाँ पहुँच जाओगे। तो इसको जब आपका टाइम हो जाए, यानी आपके जब 2 बज जाएँ तभी आप इस पे क्लिक कीजिएगा, वरना आपको ये पिक्चर्स दोबारा लेनी पड़ेंगी। ठीक है, जो 6th पॉइंट है इसके अंदर, वो कह रहा है कि लैपटॉप के अंदर मैंने जो बताया आपको, अगर कभी भी अलाउ का आपको ऑप्शन दिखाई दे तो उसको प्लीज़ अलाउ ही कीजिएगा। ये पीछे आपको जो दिख रही है, ये आपकी आंसर शीट जब आप अपलोड करेंगे वो है, तो ये भी आगे दिखाते हैं हम आपको। इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स मेरे नोटिस में आए हैं, तो वो उस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और इसी टॉपिक्स को लेके मैं आज जो लाइव जाने वाली हूँ उस पे जाऊँगी। इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करना है मुझे वहाँ पर। तो ये कह रहा है यू हैव टू यूज़ द आंसर बुक प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, आपको वही आंसर बुक्स लेनी है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है। तो जी हम वही लेंगे, और मैंने इसका लिंक हमारी वीडियो में दे दिया है, जो वीडियो मैंने बनाई थी आंसर शीट से रिलेटेड। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कह रहा है सो इट अगेंस्ट द कैमरा फ्रॉम कवर पेज टू लास्ट, मतलब आपको जो पहला पेज है आपका, यानी आपको एक एग्ज़ाम के अंदर 40 सीट लेनी है, तो आपको पहली सीट से लेकर 40वीं सीट तक दिखानी है। ठीक है, कैमरे के आगे, तो इसका भी डेमो बहुत जल्दी आएगा कि आप कैसे दिखा सकते हैं पेज 1 बाय 1, सो दैट इट इज़ कन्फर्म दैट नथिंग हैज़ बीन रिटर्न ऑन एनी पेज। तो ये कह रहा है कि जो आपकी सीट है, आपके पेज हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, ये इससे क्लियर हो जाएगा। द पेज नंबर्स ऑन ईच शीट शुड बी क्लियरली फोटोग्राफ्ड, मतलब ये कह रहा है कि आपके जो सीट हैं, आंसर सीट हैं, उनके ऊपर जो नंबर है वो अच्छे से प्रिंट होना चाहिए कि ये पहली सीट है, ये दूसरी है। तो हम ऐसे नहीं प्रिंट आउट करवा रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं कि हम एक प्रिंट निकलवा रहे हैं, और उसकी ही हम हमारी जितनी सीट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हम अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो हमें 200 सीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पर एक सीट प्रिंट निकलवा रहे हैं, और 199 हम फोटो कॉपी करवा रहे हैं उसकी। तो हम वहाँ पर उन पे नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अगर आपका जो नंबर नहीं लिखा गया है शीट पे, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो अपने शीट्स पे नंबर लिख लीजिएगा कि ये मेरी पहली सीट है, ये मेरी दूसरी सीट है, ये इन्होंने कहा है, और आपके जो नंबर्स होने चाहिए वो करेक्ट होने चाहिए और विजिबल होने चाहिए। सेकंड, मतलब 8th का जो स्टेप है वो ये क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन पेपर इज़ डिस्प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है जो आएगी एग्ज़ाम के टाइम, आगे डेमो दिखा रखा है उसका, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो राइट साइड आएगा आपके स्क्रीन पे। मतलब जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड स्टार्ट आंसरिंग दैम, अपने जो क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। जस्ट आफ्टर कंप्लीट वन पेज, मतलब एक पेज कंप्लीट करने के बाद, एक पेज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्प्ले टू टू वर्ड्स द कैमरा सो दैट ईच कंप्लीटेड आंसर शीट इज़ रिकॉर्डेड। तो आपको क्या करनी है, आपके जो आंसर शीट है उसको रिटर्न करना है, रिटर्न करने के बाद एक एक पेज, मतलब पहला पेज आपने लिखा तो पहला पेज ही आपको शो करना है, आपने दूसरा पेज लिखा लिखने के बाद दूसरा पेज शो करना है, ऐसे ही तीसरा पेज लिखते ही तीसरा पेज आपको वहाँ शो करना होगा। दिस इज़ जस्ट फॉर सेफ्टी, मतलब ये दिस इज़ जस्ट फॉर सेफ्टी, ये क्या है, सेफ्टी के लिए है कि कोई भी बच्चा चीटिंग ना कर पाए, इसलिए यू हैव टू फाइनली अपलोड द क्लियरली टेकन फोटोग्राफ्स और
स्कैन इमेज आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं, और वो एकदम साफ होनी चाहिए, मतलब क्लियर दिखाई देनी चाहिए। तो आप इस टाइम पर कैसे अपना एग्ज़ाम देंगे, कैसे हेल्प लेंगे, ये सभी आज हम 12 बजे डिस्कस करेंगे। तो जितना ज़्यादा उसके लाइव में ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ। आफ्टर यू हैव कम्प्लीट योर एग्ज़ाम, जब आप अपना एग्ज़ाम कम्प्लीट कर लेंगे, टेक क्लियर एंड कम्प्लीट फोटोग्राफ ऑफ ईच पेज और स्कैन इट इन अदर ऑफ पेज नंबर्स, ऑर्डर ऑफ पेज नंबर, मतलब इनको स्कैन करना है ऑर्डर्स में, मतलब पहला पेज पहले, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, ऐसे। इन केस यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, ये मैं अपनी सभी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं कि लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरा डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, देन क्रिएट ए फोल्डर, तो एक फोल्डर क्रिएट कीजिए वहाँ ऑन एनी कॉन्वेनेंट डिवाइस एंड ट्रांसफ़र द इमेज टू द फोल्डर। तो आप क्या करेंगे, एक कोई भी डिवाइस अपने साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन होगा आपका, मोबाइल फ़ोन ही होगा, और कोई डिवाइस आप कनेक्ट कैसे ही करेंगे, कैमरा अगर आपके पास है तो आप कैमरा करेंगे, लैपटॉप सॉरी प्रिंटर आपके पास है तो आप प्रिंटर करेंगे, मतलब आप किसी दूसरे डिवाइस की हेल्प वहाँ ले सकते हैं। और ये यहाँ पे मेंशन है कि आप डिवाइस को यूज़ करेंगे अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो, इमेज लेने के लिए, और उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे अपने उस फोल्डर के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जब आप अपलोड करेंगे तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, मतलब आपके यहाँ एक ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन करके, उसको क्लिक करना है, सिलेक्ट द पेज नंबर। अब आपको पेज नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब मान लीजिए मैं पहला पेज अपलोड करना चाहती हूँ, तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी और जो यहाँ पे पहला पेज है ये, तो पहले पेज पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, ठीक है। और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो जो मेरा वो फोल्डर है मुझे वो ओपन करना है, और ऑप्शन आएगा अपलोड करने का। जैसे आपने कभी भी किसी भी कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो वहाँ पर भी आपको जब आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं तो एक ऐसे बॉक्स बना आता है जिसके अंदर आपको अपलोड करना होता है, जब उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है उसका डेस्कटॉप खुल जाता है, जहाँ पर हमारी डाउनलोड्स पिक्चर्स होती हैं या हमने जो सेव की हुई पिक्चर होती हैं वो सब होती हैं, उसी तरीके का ऑप्शन खुलेगा, इसीलिए इन्होंने फोल्डर बनाने के लिए कहा गया है। तो ये आगे 11th स्टेप में कह रहे हैं, देन क्लिक ऑन ब्राउज सेलेक्ट द पाथ, अपना पाथ है वहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपने कौन सी जगह पर अपना जो वो फोल्डर है वो सेव किया है, तो वहीं पे जाकर आपको वो पेज वापस से निकाल लेना है। एंड प्रेस द बटन ओपन एंड डबल क्लिक ऑन द इमेज, आपकी जो इमेज है उस पर डबल क्लिक करना है आपको, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अपलोडिंग यू विल सी अ मैसेज कन्फर्म द सेम, देन सेलेक्ट द नेक्स्ट पेज। मतलब आप जब अपलोड करेंगे तो आपका जो ये पेज है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट पे येस आ जाएगा, वाई लिखा आ जाएगा आपके वहाँ पे कि हाँ आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। और जो आपके नीचे है वहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि आपने कितने पेज अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे। इन चीज़ों इस पे प्लीज़ ध्यान ज़रूर देना कि आपकी जो आंसर शीट है वो आपने अपलोड की है, तब वहाँ पर वाई लिखा आ रहा है या एन लिखा आ रहा है। फोर्थ ये कह रहा है यू कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर पेज नंबर, आप वहाँ पे पर्टिकुलर पेज नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड व्यू और डिलीट, आप उसको देख भी सकते हैं कि वो साफ़ है या नहीं, और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं वहाँ। इसीलिए हमें 60 मिनट दी गई हैं कि हम एक बार अपनी जितनी भी सीट्स हैं, हमारी जो 40 सीट हमने भरी हैं, वो 40 सीट हम एक बार देख लें कि वो सही से अपलोड हुई हैं या नहीं, सही दिखाई दे रही हैं या नहीं। इट विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टिव बटन, यहाँ पर जो ये बटन दिया हुआ है आपका व्यू फाइल
डिलीट फाइल, इनके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। डेमो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, मैं कर करके दिखाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ डेमो दिया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द टोटल नंबर ऑफ पेज अपलोड्स, आप ये भी देख सकते हैं कितने पेज आपने अपलोड किए हैं एट एनी टाइम टू कन्फर्म दैट यू आर डूइंग द अपलोड करेक्टली, कि आप किसी भी टाइम अपना पेज कहाँ पर करेक्ट अपलोड करें। तो ये सभी ये एक डेमो दिया था, डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आप कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। आई होप आपको सभी स्टेप समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो मैं अभी जब मॉक टेस्ट दूंगी अपना, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है, पिक्चर्स अपलोड करके बताऊंगी विदाउट एनी यूजिंग एनी ऐप और विद यूजिंग ऐप, मतलब बिना ऐप के यूज़ के और ऐप यूज़ करके भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इस एग्ज़ाम के अंदर। और जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो भी मैं आपकी हेल्प करूँगी, और आपने पढ़ाई की है तो भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पैनिक मत होइए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।